Assalamualaikum guys, welcome back to Better Vlog and New Vlogs। तो गाइस सीन ये है कि घर को तराई देनी, किस तरह देनी मतलब पानी के साथ उसको गीला करना है ना। तो अभी दिखाते हैं आपको किस घर के। ये हमारा जो घर बन रहा है जो आपने देख लिया है इसको तराई। वाओ। और ये दरवाजा मैंने कहा मैं अंदर आ रहा हूँ इधर से, वो देखो मैं अंदर आ रहा हूँ इधर से दरवाज़ा खोल दो। इन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है, कह रहे हैं अंदर नया ही आना है आपने। तो मैंने भी इधर से छलांग लगानी है अभी। तो अगर ये मैं इसको मैंने 5 मिनट का वक्त दिया है, अगर दरवाज़ा नहीं खोला ये वाला तो मैं इधर से छलांग लगाऊंगा ऊपर चढ़ूंगा। फिर भी आपको वो ट्रेनिंग भी सिखाऊंगा किस तरह चढ़ते हैं ऊपर मतलब दीवारों पर। तो और 5 मिनट के लिए आपके लिए 4 मिनट बाकी है कि अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इधर से छलांग लगाऊंगा और ऊपर आऊंगा। तो वो आपको ट्रेनिंग सिखाएंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द सिखाएंगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग कि कैसे दीवारों पर चढ़ते हैं, कैसे भागते हैं। तो इंशाल्लाह दूसरे भी बनाएंगे इस तरफ एक और ये वाला तो पहले बन जाए ना, इंशाल्लाह भी दूसरा बनाएंगे इस तरफ। और ये हमारी कुछ ज़मीनात हैं जिधर हम गंदम काट वगैरह करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेहनती लड़का है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल, हर टाइम काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, हर टाइम कामों पर लगा रहता है। बहुत ही अच्छा लड़का है यार। मेरे साथ एक वॉच पड़ी है, देख लो किस तरह है। ये मेरी वॉच है, मैंने कभी वॉच पहनी नहीं थी, आज पहन ली है। तो किस तरह लग रही है देखो, अच्छी है नहीं। तो ये इंशाल्लाह आयाज भाई को गिफ्ट देंगे हम ये अपनी वॉच, क्या करें इन्होंने काम अच्छा किया होगा तो हम इनको गिफ्ट देंगे। अभी हम रहमान भाई की दुकान से आए, रहमान भाई भी अच्छा था, ज़बरदस्त फिट फाट था। आप लोग पूछ रहे थे, मुझे पता है आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि वो दूसरा भाई कहाँ पर है, वो भी ज़बरदस्त था क्योंकि मैं तो ज़्यादा गांव में नहीं होता हूँ। तो इसलिए अभी आया हूँ सबको पूछने, सबको मतलब इंशाल्लाह सबके पूछेंगे किस तरह हैं लोग। अंदर से भी दिखाएंगे, अंदर से बहुत बहुत तैयार हो चुका है, प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो आप बताना कमेंट में किस तरह अभी भी अच्छे लग रहे हैं। देखो सही बिल्डिंग सी खड़े हुए, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो सीढ़ी की है, ये अयाज भाई ने अपने लिए सीढ़ी लगाई है। वो जो सीढ़ी बनी हुई है, ये जो सीढ़ी बनी हुई है, ये वाली सीढ़ी रहमान भाई ने बनाई है। रहमान भाई कह रहे हैं कि इस सीढ़ी पर सिर्फ मैं चढ़ूंगा और ऊपर वाला मंजिल मेरा है। अयाज भाई ने कहा था कि नहीं, ऊपर वाला मंजिल मेरा भी है। तो इन दोनों ने लड़ाई की थी, तो फिर ऊपर वाला जो मंजिल था ना ये दरमियान में काट दिए हैं। तो अयाज भाई एक दरमियान में काट दिए, तो अयाज भाई की आधी मंजिल हो गई और आधी रहमान भाई की मंजिल हो गई है। तो ऐसा हुआ सीन, ऐसा हुआ कि वो जो दूसरी सीढ़ी थी, वो जो इंट से बनाई गई है ये वाली सीढ़ी, वो वाली तो रहमान भाई ने पकड़ ली है। और अयाज भाई के लिए सीढ़ी की मतलब ऊपर चढ़ने का सलूशन कुछ लाया नहीं कि मैं कैसे चढ़ूंगा। फिर एक बार इधर से कोशिश की थी इधर से चढ़ने की, ये जो ब्लॉक नहीं लगे हुए, ये जो सीढ़ी सी ब्लॉकों वाली सीढ़ी बनी हुई है इधर से चढ़ने की, तो फिर इधर से गिर गया और इधर से ये गिर गया था। इधर उस टाइम इधर रेत पड़ी थी, तो वरना अगर रेत नहीं होती तो फिर इधर यहाँ आज ये नहीं होता। मैंने क्या किया कि ये जब गिर गए तो मैंने इधर से रेत हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि ये फिर चढ़ गया तो फिर गिरेगा तो फिर इधर लगेगा, तो फिर वो जिस ऊपर वाला मंजिल होगा ये मेरा हो जाएगा। लेकिन इनने भी बहुत शातिर दिमाग है इनका भी, ये भी इधर तेज़ है कि ये वाली सीढ़ी उन्होंने लगा दी है, ये वाली सीढ़ी अपने लिए ऊपर चढ़ने के लिए अपने लिए ये वाली सीढ़ी लगा दी है कि मैं इधर से चढ़ूँगा। मैं अभी कोशिश करता हूँ ये रस्सी से बांधे, ये डीली करता हूँ ना, रस्सियाँ डीली करता हूँ तो फिर इसका इंशाल्लाह कुछ करते हैं इनका। और गाइस दूसरा सीन ये है कि आपको एक चीज़ दिखाया नहीं था, मैं मतलब रोज़ वो पहनता हूँ वो आपको दिखाया नहीं था। घड़ी तो आपने देख ली, वॉच तो देख ली, वॉच पहली बार पहनी और पहली बार ही आपको दिखाई है। और वो हमारा इकबाल चचा आ गए हैं। सबसे जो अभी सीन है ना ये वाला, वो तो आपको दिखाया अभी नहीं है। हाय 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 मारते हैं, हाय 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 हाय। जब ये नीचे लगता है ना, ये नीचे लगता है ना ज़मीन पर, तो ज़मीन पर सोना गिरता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि हम तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सोना भी आपको दिखाएं। आज मैंने ये कब से लिए हैं लेकिन आपको आज दिखाएं। और ये आज कर आपको अंदर से दिखाते हैं कि घर कैसा बना है। तो ये हमारा मेन दरवाज़ा है, उधर से भी एक मेन दरवाज़ा है, ये खिड़की है। एक दरवाज़ा आपको उधर दिखाते हैं, उधर आपको एक दरवाज़ा दिखाते हैं, जो मेन दरवाज़ा है वो आपको दिखाते हैं। हाँ
ये वाला अयाज भाई ने अपनी अपने दरवाजा खोल दिए हैं। अयाज भाई ने अपने लिए दूसरा मेन दरवाजा छोड़ा है कि मैं इधर से जाऊंगा उधर से नहीं जाऊंगा। तो अयाज भाई कह रहे हैं इस दरवाजे से कोई नहीं आएगा, इस दरवाजे से मैं आऊँगा, इसने स्पेशल बनाया है। और रिमान भाई के लिए ये जो छोटा सा दरवाज़ा है ये वाला बाहर के लिए छोड़ा है। और शमीर भाई के लिए ये वाला दरवाज़ा लगे हुए हैं, ये मतलब सब इकट्ठे रहेंगे ना ये वाला दरवाज़ा। और अभी जाते हैं अंदर। ओह बंद है, तो इन्होंने इतना शातिर दिमाग चलाया है कि मेरा दरवाज़ा ये बंद करने की सोच रहे हैं कि अभी इनकी दरवाज़ा किस तरह बंद कर दें। तो ये अयाज भाई ने मजदूरी शर्दूरी की है। और ये अभी अयाज भाई ने दरवाज़ा बंद किया था वैसे। और अभी क्या दिखाते हैं आपको, ये रिमान भाई का कमरा है। हाँ रिमान भाई ने अपने लिए दो पंखे लगाए और एक दो तीन चार पाँच छः लाइट लगाए हैं, छः लाइट लगाए हैं रिमान भाई ने। अपनी दो खिड़की छोड़ी हैं, ये वाली और ये वाली। और अपने लिए वॉशरूम के लिए जो दो दो इन्होंने अपने लिए वो वॉशरूम बनाए हैं, ये एक अलीदा बनाए हैं इधर, मुझे लगते हैं इधर ये अकेले नहाएगा। और इधर जो इन्होंने अपने लिए वॉशरूम बनाए ये इन्होंने मुझे लगते वॉशरूम बनाए। और ये दोनों वॉशरूम हैं यार, इधर एक में नहाना होगा और एक में वो जो खाएगा वो पिएगा। ज़बरदस्त रहमान भाई ने अपने के लिए कमरे के लिए सब। ये देखो रहमान कभी कभी रात को आ जाते, फिर इधर आग भी लगाता है। तो ज़बरदस्त रहमान भाई गोड़िया अच्छा कमरा बनाया है। तो इधर शमीर भाई की कमरे पर आते हैं जिस तरह के उन्होंने, अब शमीर भाई ने इधर भी एक खिड़की छोड़ी है और रहमान भाई ने भी इधर खिड़की छोड़ी है, क्योंकि ये दोनों गप लगाएंगे रात को। फिर रात को जब इधर ये दोनों सोएंगे ना, तो फिर इधर से एक खिड़की पे खोलेगा और इधर से एक खिड़की शमीर भाई इधर से खिड़की खोलेगा, तो ये इधर से खोलेगा, तो फिर दोनों गप लगाएंगे ना आपने अपने। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के कमरे में आ जाए तो फिर कभी कभी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, फिर ये दोनों ज़ख्मी करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए इन दोनों ने खिड़कियाँ छोड़ी हैं। अगर गुस्सा भी हो तो फिर आगे से खिड़की होगी और दरवाज़ा तो मैं बंद करता हूँ ना सबके पीछे, जब भी रात हो जाती है मैं सबके पीछे दरवाज़ा बंद करता हूँ, इसके पीछे भी दरवाज़ा बंद करता हूँ, उसके पीछे भी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो इन दोनों ये दोनों के लिए सिर्फ यही मौका है कि मैंने इनके लिए खिड़की लगाई है। तो हम ये दोनों इधर से रहमान गप लगाए, उधर शमीर गप लगाए। तो आते हैं शमीर भाई के कमरे की तरफ। ये शमीर भाई ने रेत थोड़ी सी इकट्ठी की है। शमीर भाई कह रहे हैं कि कभी कभी गर्मी होती थी फिर मैं रेत पे सोऊंगा। तो ये शमीर भाई कमरा, शमीर भाई ने दो, मुझे लगता है दो पंखे हैं और एक को दो तीन चार पाँच। रहमान भाई ने छः लाइटें लगाए थे। आप लोग हो गए कि रहमान भाई ने छः लाइटें लगाए थे, शमीर भाई ने लाइटें क्यों लगाई थी? क्योंकि शमीर को रोशनी नहीं पसंद है। रोशनी इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो अंधेरे में बहुत रहता है, तो इन्होंने इसलिए चार लाइटें लगाई हैं। तो मतलब वो चार लाइटें लगाएंगे लेकिन लगाएंगे नहीं, मतलब ऑफ ही रहेंगे, तो वो उनको अंधेरा पसंद होता है। तो शमीर भाई ने बाहर के लिए एक रास्ता छोड़ा है। और शमीर भाई बहुत अच्छे, दो खिड़की छोड़ी हुई हैं। और अभी शमीर भाई की वॉशरूम को दिखाते हैं। रहमान भाई के दो वॉशरूम थे, हाँ अभी तो शमीर भाई के जो वॉशरूम है वो तो भरा हुआ है। तो इंशाल्लाह इनको खाली करेंगे, शमीर भाई को सेटिंग सही ज़बरदस्त देंगे। और आप लोग कहोगे कि रहमान भाई के दो वॉशरूम थे, क्यों दो वॉशरूम थे, शमीर भाई ने क्यों दो वॉशरूम नहीं बनाए हुए? तो शमीर भाई ने इसलिए वॉशरूम दो नहीं बनाए कि इनकी लड़ाई हुई थी इसलिए शमीर ने चुप लगी। तो शमीर भाई की ये जगह खाली, शमीर भाई कह रहे थे कि मैं नहीं, मुझे दो बाथरूम पसंद नहीं है, मैं एक ही पर नहाऊँगा भी और खाऊँगा पीऊँगा भी और सब कुछ करूँगा। तो शमीर भाई ने कहा कि मैं फजूल खर्ची नहीं करना चाहता, तो उन्होंने एक ही वॉशरूम बनाया। और रहमान भाई तो अभी शमीर भाई को दो वॉशरूम बनाए हैं, इनको शमीर भाई को रहमान भाई अक्सर तंग भी करते हैं कि मैंने दो वॉशरूम है तो एक वॉशरूम है। तो रहमान भाई की भी शायद मैं बंद कर दूँ एक को, क्योंकि नहीं बंद नहीं करता क्योंकि यार फिर नाराज़ हो जाएगा ना, सबके अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मर्जी इनसे पूछता हूँ कि किस तरह बने। तो शमीर भाई ने इधर से खिड़की भी छोड़ी है वॉशरूम के लिए कि देखेगा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई बाहर तो नहीं घूम रहा है मेरे। तो इधर से खिड़की भी छोड़ी, तो रहमान भाई की ने वॉशरूम के लिए खिड़की नहीं छोड़ी। तो ज़बरदस्त यार, शमीर भाई की दूसरे कमरे से आते हैं। और अभी तीसरा कमरा जो आप उधर दिखाते हैं आपको, तीसरा कमरा किसका है, ये किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्त रूम, इन्होंने ऊपर भी सिस्टम बनाए हुए हैं जिसके भी है। देखो मैं सोचता हूँ ये मेरे कापी पर कॉपी पर नाम लिखा है ना उसका होगा, अभी मुझे नाम नहीं याद है किसका भी है, लेकिन आपको बताएंगे किसका है इंशाल्लाह। और अभी ये इनका जो घर है,
ये ऊपर वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला हिस्सा, इधर सोएगा वो जो भी सोएगा। उन्होंने अपने लिए ऊपर वाला हिस्सा भी बनाया, इधर गोदाम है जो गंदा मंदा सामान को सामान जो भी हो वो ऊपर पहेंगेगा। और इधर जो इन्होंने खिड़की छोड़ी है ये नज़ारा करेगा बाहर का जो गंदम काश्त होगा। तो इन्होंने अपनी ज़मीन के लिए इसका जो जिसका भी कमरा है ना, उन्होंने अपने लिए खिड़की छोड़ी कि मैं अपनी ज़मीन का नज़ारा भी करूँ। सुबह उठूँ तो फिर इस तरह सब्ज़ा है, सरसब्ज़ा जो है वो मैं देखूंगा, फिर मेरी आंखें खुश होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, ज़बरदस्त अपने लिए अच्छा निज़ाम किया है। तो इन्होंने अपने लिए खिड़की निकाली है कि मैं इधर से फिर देखूं इस तरह देखूं मैं शमीर भाई और रहमान भाई के कि वो लड़ तो नहीं रहे। अगर लड़ रहे होंगे तो फिर मैं भी इधर से दोनों को इस तरह जोश लाऊंगा कि एक दोनों लड़ जाएँ और दरवाजे तोड़ दें। तो इन्होंने बहुत ही शातिर दिमाग, ये जो जिसका भी कमरा है बहुत ही शातिर दिमाग वाला लड़का है, कि इन्होंने कहा है कि मैं इधर से देखूंगा सबकी तमाशा देखूंगा और इधर से देखूंगा भी कि कौन सीढ़ियों पर चढ़ रहा है कौन नहीं चढ़ रहा है। तो इनके आते हैं इनके वॉशरूम पर, तो इनका वॉशरूम भी माशाल्लाह इन्होंने भी एक वॉशरूम बनाया है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि मैं फजूल खर्ची नहीं करना चाहता। और ये जो दोस्त हैं ना, इनका जो दोस्त हैं जो पार्टनर हैं, इनके लिए इनके रूम अलग-अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं कि इनके लिए इनसे कोई लड़ाई हुई थी तो फिर ये जो कमरे बन गए ना, तो फिर ये मिल गए हैं। तो फिर इन्होंने कमरे भी मतलब एक दूसरे से अलग बने, एक ने इधर बनाई ये कमरे और एक इसके पीछे कमरा बनाया है। तो उन्होंने फिर भी खिड़की छोड़ी है, इधर से मतलब गप लगाएगा और दूसरा इधर से गप लगाएगा, वो उसका कमरा भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी इतना दोस्ती है ना इन दोनों में, ये जिसका भी कमरा है उन दोनों में इतना भी दोस्ती है ना, इतनी दोस्ती है कि इन दोनों ने वॉशरूम में भी एक दूसरे का साथ देना है कि इधर वो गप लगाएगा, दूसरा इधर वो सब कुछ करेगा और दूसरा भी गप लगाएगा, मतलब वो करेंगी भी सब कुछ और गप भी लगाएंगे इधर से। तो इन्होंने बाहर के लिए इतना अपनी ज़मीन से प्यार करता है ना, इतने अपने मतलब गंदम काष्ठ से प्यार करता है कि इन्होंने अपने लिए बाहर का ये देखो इधर से भी बोलते हैं। अभी जाते हैं दूसरे तीसरे कमरे के पास, छोटे कमरे के पास, जो इसका दोस्त के कमरे के पास इंशाल्लाह। अभी काम शाम और करेंगे इंशाल्लाह इस घर में। तो अभी भी काम हो रहे हैं, वो देखो अयाज भाई काम कर रहा है। तो अभी ये जाते हैं छोटे कमरे के पास आ गए हैं। जैसा क्या छोटे कमरे वाला बहुत ही ज़बरदस्त है, खिड़की निकाली, एक दरवाज़ा इधर से निकाले, एक दरवाज़ा इधर से निकाले और इनके वॉशरूम चेक करते हैं। इनका वॉशरूम चेक करने के लिए आपको दिखाया था, उधर से भी एक सुराख किए हैं इसके दोस्त ने और ये इनका वॉशरूम है। अभी तो अंधेरा है, इनका आपको नज़र नहीं आएगा, इंशाल्लाह लाइट शाइट लगाएंगे तो इनका आपको नज़र आएगा। तो इनके दोनों गप आएगा इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, लाइटिंग लगाई है 1, 2, 3, 4, 5 और 2 पंखे, हाँ मुझे लगता है इस तरह ही, अगर कुछ गलती हो जाती कभी कभी जाते हैं। ये मुझे लगता है किचन है इन सब के लिए, ये मुझे लगता है किचन है, हाँ मतलब मुझे पता नहीं इतने सारा को, लेकिन किचन। और ये मुझे लगता है वॉशरूम है यार, दूसरा वॉशरूम, खुला वॉशरूम जो सबका अलग-अलग नहीं, सबका इकट्ठा है, ये भी सबका मतलब इकट्ठा है, मतलब सब करेंगे साथ में। और ये बाहर के लिए गेट छोड़ा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी अयाज भी गुस्सा हो जाता है, शमीर भी गुस्सा हो जाता है, रहमान भी गुस्सा आ जाता है। और मेरा जो दिल का दरवाज़ा भी हर टाइम खुला रहता है, और मेरा जो अपना दरवाज़ा होता है ना, अपना दरवाज़ा वो भी ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अपना दरवाज़ा। मेरा दिल का भी दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और ये वाला दरवाज़ा भी हमेशा खुला रहता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिसने आना है आ जाओ, जिसने आना है आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो अभी तो अयाज भाई गुस्सा कर चुके थे कि मेरे दरवाज़े पर भी उन्होंने राज किए हैं, तो अपने दरवाज़े पर भी राज किए हैं, लेकिन मैंने तो फिर भी उनके दरवाज़े से आई हूँ, क्योंकि अयाज भाई ने मेरे हमारे दरवाज़े पर इतना बड़ा ताला लगाया है। तो अयाज भाई मेरे दरवाज़े पर नज़र रख रहे हैं कि अयाज भाई कह रहे हैं कि ये दरवाज़ा भी मेरा हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह होने नहीं देंगे इस तरह। और ये जो बाहर का खिड़की हमने छोड़ी हुई है इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो। और तीसरे कमरे पर आते हैं, ये तो आपको दिखा दिया सच में। और ये दरवाज़ा मैंने आपको इसलिए कहा था कि वो मेरा दरवाज़ा, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, फिर मतलब वो शमीर भी अपने दरवाज़ा बंद कर देते हैं, रहमान भी अपने दरवाज़ा, याज भी अपने दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और मेरे वाले पर तो कभी कभी मेरा दरवाज़ा तो हर टाइम खुला रहता है, लेकिन कभी कभी अयाज, रहमान, शमीर वो मेरे वाले भी बंद कर देते हैं। तो
इसलिए मैंने दो दरवाज़े इधर से एक छोड़ी हैं और वो एक छोड़ी हैं। तो बाहर से मेरे दोस्त बहुत होते हैं ना, तो मेरे दोस्त बहुत आते हैं बाहर से, तो फिर मैं इधर से पीछे से उनको ला देता हूँ कि यार अभी वो गुस्से में सब, तो उन्होंने दरवाजे अपने लड़ाई मड़ाई की है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोले बंद किए सारे। तो मैंने ये वाला दरवाज़ा और ये वाला दरवाज़ा अपने दोस्तों के लिए खोले और सबके लिए मतलब बनाए हैं, आयाद, रहमान, शमीर और दो तीन जो और हैं उनके नाम मुझे नहीं आते हैं, वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे जब आएंगे, उनके कमरे भी दिखाएंगे जो दोस्त इधर थे। और ये वाली खिड़की इसलिए मैंने छोड़ी कि इधर से मैं कभी कभी ऊपर चढ़ जाता हूँ, मैं कभी कभी छिपकली बन जाता हूँ ना, मतलब फिर ऊपर भी चढ़ता हूँ, तो फिर उधर से मैंने ज़बरदस्त ये निज़ाम किए, आपको ये निज़ाम नहीं दिखाई, ये निज़ाम अगर आप देखोगे तो इधर से देखो ये खूबसूरती के साथ लाइनें लगाई हैं मैंने। अभी लाइटिंग आपको दिखाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, टोटल 14 लाइटें इधर यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार पंखे यहाँ पर है। तो और ये जिस तरह मतलब ये जो कमरा है इस तरह जिस तरह जाते ये ड्रिक, ये जो जगह है ये ड्रिक वाला उधर जाता है, मतलब सीधे जाता है ना, तो ज़बरदस्त मतलब शानदार मतलब निज़ाम हुआ है, ज़बरदस्त निज़ाम हुआ है और अच्छे मतलब डायरेक्ट इधर से हम जाएंगे उधर सीढ़ी पर चढ़ेंगे। कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना, फिर इधर ये वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा वो कहते नहीं कि कोर्ट बंद हो गया, अभी कोई नहीं आ सकता है। तो ये जो दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा सब बंद, सब कुछ बंद हो चुका है, अब कोई खोल नहीं सकता। तो ये वाला जो दरवाज़ा है, ये वाली जगह, ये हर टाइम 24 घंटे खुला रहेगा, तो जिसको भी कोर्ट पर आना है मुझसे मिलना है आज कोई मसला नहीं है। हाँ मेरा आप लोग कहोगे कि यार आसिम भाई सबके कमरे आपने दिखा दिए लेकिन आपने अपना कमरा नहीं दिखाया, तो सीन ऐसा है कि यार सब को लोग कहोगे ना कि समीर यार रहमान वो जो दो दोस्त हैं उनकी भी कमरे दिखा दिए लेकिन आपने अपना कमरा नहीं दिखाया, तो यार मेरा कमरा क्या है, मेरा तो सबके साथ दिल लग रहा है, तो कमरा मेरा तो नहीं है क्योंकि यार मैंने तो इनके लिए सब कुछ बनाया है। तो इंशाल्लाह मैं अपना घर बनाऊंगा वो आपको अलहदे दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इनके लिए ये लोग कह रहे थे कि आसिम भाई आप अपना शमीर अयाज रहमान और जो दोस्त इधर हैं अपना उधर, वो भी कह रहे थे यार कि आसिम भाई आप ये कमरा बना दें हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मैंने कहा था नहीं यार आप लोग खुश रहें, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा आपके साथ, मैं आपके साथ 24 घंटे आपके साथ ही होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके अपने लिए एक अलग घर बनाऊंगा, उधर मेरे दोस्त वगैरह सब कुछ जो आएंगे इंशाल्लाह वो आएगा, वो घर भी आपको दिखाऊंगा, जितने हम मेहनत करेंगे तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो घर जल्दी बन जाएगा। सीन ये है कि ऊपर छत दिखाते हैं आपको अभी कि किस तरह बन रहा है, जाते हैं और ये देखो सोने की केड़ियाँ हैं, सोने की आए आए एक सोने लगते हैं, तो फिर एक कदम लगाता हूँ तो लगता है कि हज़ारों कदम लग रहे हैं, एक कदम हज़ारों के बराबर है, सोने की केड़ियाँ हैं ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। तो आपको दिखाते हैं अभी ये जो अभी आधा मतलब बहुत कुछ दिखा रहे हैं आपको, तो आप कहोगे कि आसिम भाई ये क्या लगे, क्यों लगाए हैं ये दरवाज़ा, क्यों लगाए हैं ये दरवाज़ा, हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि बताता हूँ अभी सब कुछ दिखाता हूँ फिर आपको तब समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी, इधर से आपको दिखाऊंगा तो तब आपको समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी ना। तो ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया है ना क्योंकि जब इधर से लोग आते हैं ना, इधर से लोग आते हैं इधर से कोई आते हैं मेहमान, तो ये लड़ते वगैरह ज़्यादा है ना, आपको पता है लड़ाई वगैरह ज़्यादा करते, तो इधर से ये लोग देख लेते हैं पहले कि कौन आ रहा है, तो फिर जिस तरह ये इनको पता चलता है ना कि कोई अनजान बंदा आ रहा है, ये डरते भी बहुत हैं, लड़ते भी हैं लेकिन डरते भी बहुत हैं अनजान लोगों से, तो ये इनको पता चलता है कि कोई अनजान बंदा आ रहा है, कोई चोरी वगैरह करने आ रहा है, तो ये जल्दी से इधर से देख रहे थे इधर से ये दरवाज़ा इसलिए दिखा रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि खैर है हमारा सामान सब लेकर चले जाएँ लेकिन हमारी जान बचा दें, क्योंकि हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है ना, तो फिर पता है बड़े बड़े लोगों के साथ तो बड़े बड़े मसले होते हैं, तो इधर हमने दरवाज़ा लगाए तो ये दरवाज़ा एकदम बंद करेंगे कि कोई हमारी जान ना ले ले, इनकी जान ना ले ले हमारा, तो मतलब इंशाल्लाह इधर हम ये जगह हमने क्यों छोड़ी, ये आप कहोगे कि आसिम भाई इतनी बड़ी ये जो आपने छोड़ी ये क्यों छोड़ी, तो इधर गाइस ये इसलिए छोड़ी है ना कि हमें बहुत हमारी जो टीम है, हमारी जो
टीम में, जिसके अभी इधर हमने कमरे बनाए हैं आपको, इधर हम बुलेट प्रूफ शीशा लगाएंगे। बुलेट प्रूफ शीशा मतलब अंदर बाहर से सब कुछ साफ 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 नज़र आएगा कि कौन हमें शूट कर रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें किधर से छुपा हुए हैं, तो हम इधर से देख सकें उनको कि कौन उधर से बड़े बड़े वो जो कमरे देख रहे हो, कभी कभी उधर चढ़ जाते हैं लोग हमें शूट करने, क्योंकि हमारा तो बड़े बड़े ताल्लुक है ना। वेरी डेंजरस, तो पता है बड़े बड़े बंदे हैं तो बड़े बड़े मसले होंगे, तो इधर से बड़ा शीशा लगाएंगे इंशाल्लाह बुलेट प्रूफ, वो जब लगाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो आप कहेंगे कि आसिम भाई ये नीचे वाले तो मार सकते हैं, आप कहोगे इधर से भी तो मार सकते हैं, तो इधर से कैसे मारेंगे, क्योंकि हम चार दीवारी करेंगे, बड़ी चार दीवारी करेंगे, तो इधर से कभी नहीं मार सकते हमें, तो इंशाल्लाह अभी आपको दिखाए। तो आप कहोगे अब यासिम भाई ये जो आपने ये वाले ये जो बड़े बड़े चौड़े हैं, ये जो कड़े हुए हैं, ये जो कड़े हैं, ये क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो कज़न्स हैं उनका दिल कभी कभी मतलब वो ज़्यादा देर एक साल दो साल इन कमरों में गुजार लेंगे, फिर तंग हो जाएंगे, फिर कहेंगे यार हमें दूसरा घर चाहिए, तो इंशाल्लाह इनके लिए फिर ऊपर घर बनाएंगे, इनके ऊपर कमरे बनाएंगे इंशाल्लाह उनके लिए, कि वो ऊपर जा सके, कि वो ऊपर भी मतलब रह सके। तो ये जो निज़ाम है, तो और आप कहोगे कि आसिम भाई सीढ़ी आपकी दिखाई नहीं है, तो सीढ़ी दिखाते हैं। तो ये वाली सीढ़ी हमने, ये जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, ये रहमान भाई ने सीढ़ी छोड़ी है, ये अयाज भाई ने सीढ़ी है, तो थोड़ा ढीली करती है, नहीं नहीं अभी ढीली नहीं करते वो रस्सी, क्योंकि वो नीचे कोई तात पर देख लेगा, फिर मुझ पर शक आ कर तो आप लोगों का शौक होगा, मुझे पता है कि आप लोग अभी कहोगे कि यार आसिम भाई ऊपर वाला ऐसे भी दिखा दे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऊपर वाला ऐसे भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको इधर से निज़ाम दिखाता हूँ। आपको कि आसिम भाई ये जो ऊपर सीढ़ी वाली, ये जो सीढ़ी के नीचे जो वॉशरूम बनाया है, ये क्यों बनाया है आप लोग कहोगे अभी, मुझे पता है, लेकिन ये इसलिए बनाया है ना, तो कभी कभी मतलब बहुत तेज़ आ जाती है और बंदा कहते कि इस तरह करूँगा तो फिर सब कुछ ख़त्म। तो हमने सबके फ़ायदे के लिए मतलब वो निकलने के बाद हमने इधर ही जल्दी बने कि जिस तरह ये मतलब आ जाए तो फिर इधर से इस तरह भाग जाए और इस तरह मतलब इस तरह दरवाज़ा बंद कर देना, तो बॉय तो इसलिए हमने ऊपर भी एक वॉशरूम बनाया है, तो नीचे जाने के मतलब जल्दी आसानी हो, सबके लिए आसानी हो, तो इसलिए इनके वॉशरूम बनाया है। तो गाइज़ ये तो हमारे गांव में एक अच्छा निज़ाम है ना, कि यार इधर से भी सरसब्ज़ा वगैरह है, इधर से भी सरसब्ज़ा वगैरह है, इधर से चारों तरफ सरसब्ज़ा वगैरह है, चारों तरफ सरसब्ज़ा वगैरह है। आपको ऊपर वाले से दिखाते हैं, ये वाले से आप देख लें, ये वाला, हाँ ये वाला, तो इधर से ये है जो घर है, ये जो घर, ये वाला घर उस्मान भाई के लिए बनाए हैं, ऊपर कैसे चढ़ेंगे, तो ये वाला है। तो चलो ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। हाय 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 हाय, तो ये ऊपर जो पानी का पैप लाया है, पानी वाला पैप है ना, ये लाया, तो ये चार दीवारी अभी हुई है ना, इनके इनको डिज़ाइन देंगे इंशाल्लाह, इनको डिज़ाइन देंगे अभी अच्छी सी, ये अभी थोड़ी सी बुरी लग रही है, इनको अभी इंशाल्लाह प्लास्टर भी करेंगे, बाहर से बहुत प्यारा डिज़ाइन देंगे, बाहर से इंशाल्लाह बाहर से डिज़ाइन भी देंगे। और ये जो साथ वाला नहीं हुआ है, ये इसलिए दिया है ना कि अभी तो घर बनने के लिए टाइम है, तो हम कभी कभी इधर ऊपर चढ़ देते हैं, तो फिर इधर से ऊपर है ना, देखो सबसे दिखाई दे रहे हैं, टावर के साथ ही नज़दीक टच हो रहा है बिल्कुल, तो सब दिखाई दे रहे हैं, तो वो इसलिए बनाए हैं कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसलिए बनाए हैं कि हम अगर मतलब बैठ सकें ऊपर, तो इधर से घर में सब काम कर रहे होते, सब घर दिखाई दे रहे होते, तो फिर हमने इसलिए ये बनाए, ये जगह भी बनाएंगे इंशाल्लाह, इसी तरह ये भी बनाएंगे। कभी कभी छोटे बच्चे आ जाते हैं ना, फिर वो उनका ध्यान नहीं रहता है, तो फिर वो गिरने का भी बहुत ख़तरा होता है कि वो गिर जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये जल बनाएंगे, ये पूरा जो साइड वाला है वो जल बनाएंगे, क्योंकि बच्चे का बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो हमारा घर का वो ऊपर वाला ऐसा था, वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइस बताओ कैसा लगा आपको घर, तो अगर अच्छा लगा होगा तो इंशाल्लाह आप आएँ हमारा घर विज़िट करें, तो इंशाल्लाह जब तैयार होगा तो फिर आपको इंशाल्लाह वीडियो वगैरह बनाएंगे, तो इंशाल्लाह तैयारी भी अच्छी से करेंगे। लेकिन वो शमीर भाई भी आ रहे हैं, वो देखो, हाँ वो अभी शबीर भी आ रहा है, शबीर भाई को पता चल गया कि
मेरे घर में वीडियो बन रही, तो शमीर भी कह रहे थे कि मेरे कमरे की वीडियो नहीं बनानी है, तो अभी आ गए, अभी कहेगा कि डिलीट करो मेरी वीडियो, तो हम कहेंगे कि नहीं बनाई मैंने, नहीं अभी आएगा कि अभी कहेगा मेरे वीडियो डिलीट करो, तो मैं कहूँगी नहीं बनाई है। शमीर भाई हंस रहे हैं, वो अभी लड़ाई करेंगे, ये दोनों अपने आपस में लड़ाई करेंगे कि यूट्यूब बंद करोगे क्योंकि मेरा कमरा कमरे की वीडियो नहीं बनानी है, तो मैंने तो आयास भाई कमरे की वीडियो बनाई सबके कमरे के, और अभी ये दोनों लड़ेंगे, ये दोनों लड़ाई करेंगे नीचे, ये दोनों बहुत फाइट करते हैं, रहमान और आयास और रहमान बहुत फाइट करते हैं, जब देखो इनके हम एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है, तो आयास भाई कह रहे हैं कि आप खुद तैयार हो, और मतलब अगर मैं गंदा पंदा हूँ और आप वीडियो बना रहे हो मुझसे, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कहा नहीं आती शर्म, क्योंकि मुझसे बनाओ जब मैं तैयार, मैं तो हर टाइम तैयार रहता हूँ। ओए ओए ये देखो गाइस, ओए होए वो यार गिर गया यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बच गया, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि बच गया, स्क्रीन भी थोड़ा सा डैमेज हो गया इधर से, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर नीचे आते हैं, अरे आज भी गुस्सा है बहुत, क्योंकि मुझसे वीडियो बन गई है, मैं इस तरह काम करता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है अपने घर के लिए, तो बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का हूँ, ये देखो सब मतलब इनके लिए घर इनके लिए बनाए हैं, लेकिन मैं अब कभी कभी काम करने आ जाता हूँ, तो मैंने और भी प्रोजेक्ट बहुत स्टार्ट किए हैं, तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो शहर में एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, शहर में प्रोजेक्ट अभी न्यू प्रोजेक्ट अटक शहर में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जबरदस्त, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, मेरी टाउन में इंशाल्लाह कर दिखाएंगे, वो बनाऊँगा। तो ये जो मतलब कहा दूसरा दोस्त है वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं बन रही है, तो वो उसकी वीडियो देख बनाएंगे इंशाल्लाह, उनकी वीडियो कट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उन वो कह रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम के दरमियान में वीडियो नहीं देनी है, तो मैंने कहा कि यार क्या शर्माना है, अपने घर में काम कर रहे हो क्यों शर्मा रहे हो, तो कह रहे थे नहीं बस नहीं बना नहीं ना मेरी, तो मैंने कहा कि रुको यार मैं काम कर लेता हूँ, मुझसे बना लो मैं अपनी वीडियो दूंगा, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, काम करने में कोई शर्म नहीं होती है भाई, बेशक इंशाल्लाह इनकी वीडियो हम थोड़ी सी कट कर लेंगे, फिर और घर आपको दिखाएंगे कि किस किस का घर है और किस किस का। तो गाइज ओके अल्लाह हाफिज़, अभी एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़, और इस तरह हमने डेरे शेर लगाए हैं, तो इंशाल्लाह अभी आपके लिए एक पसंदीदा डेरा बनाएंगे, एक दूसरा जो हमारा अटक में घर बन रहा है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और आपने अगर घर देख लिया, अगर पसंद आया तो इंशाल्लाह अगर दूसरा घर बनेंगे तो इंशाल्लाह ओके अल्लाह।